देख रहे हो भाव? OMG चाय होगी रेडी, धुल गए बर्तन और थोड़ा सा टाइम दे ऊपर भले। They are playing cricket and done with the food, done with the breakfast. दोनों एक ही चीज़ अभी निकलते हैं नहाने के लिए, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। हाँ, हो रहा लैंडस्लाइड है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मोरी उत्तराखंड। वी आर इन गढ़वाल राइट नाउ और रात कैंपिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत प्यारी नींद आई और अभी हो रहा है सुबह 5:15 हो रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं फ्रेश वगैरह होने के लिए और बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ आपको, क्या नज़ारे हैं। वेलकम टू डे टू व्लॉग ऑफ आर कैंपिंग ट्रिप। और आज क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें करता हूँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा व्लॉग में। जब हमारी एक कैमरा सामने खड़ी है, बाइक्स पर है प्रॉपरली लॉक। 11-12 टेम्परेचर हो रहा है, आग वाग जलाने की कोशिश चल रही है। हेलो विपिन भैया, मॉर्निंग, कैसी रही रात? हमारी तो मस्त रही, तुम अपनी बताओ पहले। मेरी बहुत, मैं तो बेहोश था। वैसे पूछ रहे हैं, तो बोलते हैं ना सुहाग रात पूछते कैसी। मतलब कैंपिंग वो वाली ऐसी वाली नहीं पूछ रहा, ठंड वाली तो बढ़िया, ठंड हो रही है अच्छी खासी ठंड। से पूछ लेते हैं बाहर तो निकल भाई। अरे टकली दुल्हन मारा आ रहा है। अरे और खाली सुबह का टाइम है और अभी हम जा रहे हैं फ्रेश वगैरह होने के लिए। ठंड हो रही है भाई, बहुत गंदी वाली ठंड यहाँ पर, तो ठंड वंड से बचते हैं। और अभी मैं उतर रहा हूँ नदी की तरफ और मैं दिखाता हूँ आपको नज़ारे क्या हैं, कैसे हैं, और इन्जॉय करो। ओए जंगलों में कैंपिंग करना इज नॉट एन ईजी है, रेत भी है, बहुत कुछ है। नजारे देखोगे देखो, क्या प्लान करना है पता नहीं, लेकिन ये जो नहाने वाला प्रोग्राम है तो बड़ा रिस्की लग रहा है। तो भाव बहुत तेज है, ऊपर से पानी इतना ज्यादा ठंडा है कि हाथ सुन पड़ गए मेरे तो थोड़ी देर में। चलो मिलते हैं आपको आगे। कितना खूबसूरत है ना यार, कितना खूबसूरत है, वाओ कितना ज़्यादा बहाव है इसका यार, बहाव देख रहे हो। तो चाय होगी रेडी और मेरे को काम दिया हुआ आग जलाने का, जो मैंने जो भैया की हेल्प से जल रही है। और कप्स वगैरह रेडी है, चाय वाय पीते हैं फिर पानी वानी लेने जाना है। तो वी आर गोइंग, हम पानी वानी लेके जा रहे हैं और ये बर्तन हमने रेत से धोए हैं। और मैं सच बताऊं, क्योंकि कल वो मटन बना था थोड़ा उसमें घी वगैरह बहुत बहुत डाला हुआ था, तो वो चिकनाहट हो गई थी बर्तनों में और वो वैसे धोने में बहुत मुश्किल हो रहा था। हाँ, वी आर यूजिंग ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। और सच में जो आज भैया ने मेरे को बताया ना, प्रभाकर भैया ने, कि रेत से बर्तन धो कभी बहुत चिकनाहट हो जाती है, तो
एकदम क्लीन हो जाएगा। मैंने भी एक ट्राई किया और वो एकदम साफ हो गया, कोई पानी का यूज नहीं, कुछ नहीं, बस पानी यूज होगा कंगालने के लिए। और बेस्ट तरीका है। तो जो हम कैंपिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ ले गए हैं, साबुन बर्तन नेचुरल रिसोर्स भी यूज कर रहे हैं। कितना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है, अभी हम चल रहे पानी लेने के लिए और वो उन बर्तनों को साफ कर देंगे। बाकी दो बाल्टी पानी वो लेने गए हैं और लोग उफ। पानी का बहाव बहुत तेज है, बहुत तेज। तो मैं स्लीपर पहन के आया हूँ, मेरे को इसका डर लग रहा है कि स्लिप ना हो जाए। देख रहे बहाव, OMG। इधर इधर इस वाले पत्थर पे, इसमें पानी होगा, धुल गए बर्तन। और अभी लेकिन भाई आप लोग बर्तन पकड़ो, मैं पानी ले लेता हूँ। ये मैं तो चॉपिंग स्टार्ट फॉर पास्ता और ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट वगैरह। आखिरी रास्ते का आखिरी नहीं नहीं अभी आखिरी रास्ता नहीं जाना। और ये और ये हम कोल वगैरह लगाकर बारबेक्यू की तैयारी। कमी किसी चीज की नहीं है, ये गाड़ी फुल हो के आई है। किसी चीज की कमी नहीं है, पास्ता बन रहा है, आप जो बोलो वो बन जाएगा। कैंपिंग करोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि घर से बाहर की किचन में कैसे कैसे खाना बनाना होता है, कैसे कैसे स्ट्रगल करना होता है, पानी कैसे लेके। आपके घर में आपकी वाइफ, आपकी मदर कितना काम करती हैं? जब आप यहाँ खुद काम करते हैं, हाँ, मतलब मुझे अभी जेल नहीं जाना है। और जो हम सोचते हैं कि वाइफ और जो हमारी मदर हैं वो फ्री रहती हैं, कोई काम नहीं कुछ नहीं, हम बाहर इतना काम करते हैं, देख लो कितना काम होता है, बर्तन धोना, खाना बनाना, तीन टाइम खाना बनाना, चिकनाई मिटाना, और ये देखो इसमें चिकन वगैरह सब कुछ है, ये हमारा चलता फिरता फ्रिज है, चलता फिरता फ्रिज है, ये परसों से निकला हुआ अब तक ठंडा है। और ये यहाँ कोल वोल की तैयारी होगी, बारबेक्यू लगने की तैयारी। बॉल वगैरह, बैट वगैरह खेलने मिलने के लिए हर चीज का प्रोग्राम है। थोड़ा नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद नहाने का प्रोग्राम करते हैं, खेल वेल कर। लोग कैंपिंग करते हैं मैगी और ऑमलेट खाकर। और हमारा बारबेक्यू, चिकन, मटन, पास्ता। ये तो शायद यहाँ के लोकल होटलों में भी नहीं मिलेगा सच में। अभी कुछ और पड़ा हुआ, कुछ और पड़ा हुआ है, बैटरी हो गई। अच्छा नहीं, इसी, वो पाया है, इसी का पाया है। उसका पाया है, एक ही है ना, तभी अच्छा मैं सोचूं कि किसका सेट कहां का है। तो वो हिल रहा, तभी हिल रहा है वो, जैसे अंदर वो हटा दो, केरोसिन से बढ़िया काम करता है। चिकन टिक्का और पास्ता। ये चाकू की धार तेज करी जा रही है।
ये चाको थोड़ा सा खराब है। हमारे ये गाड़ी में एक बकरी लेके आए थे साथ में, पकड़ लीजिए। इन्हें ऐसा कुछ नहीं, कोई बकरी वकरी नहीं आई है। किसी की कोई ढूंढता हुआ मेरे पास पहुंचे। कॉर्नर से होगा शायद। नहीं हो रहा है ना, आवाज भी पता चलता है भाई। इन्हीं पत्थरों पे होता है वो जो धार बनती है ना एक वैसे, और वो जो रेलवे वाले पत्थर होते हैं ना। ट्राई करियो भाई सब। तो अभी बनने जा रहा पास्ता। हाँ हाँ आप थोड़ा ही चाहिए वैसे पास्ता वाले, थोड़ा ही चाहिए इसके लिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। काम जो मेन था वो हो चुका है। डालना पानी में। अबे अबे अबे। ये रख दो, ये रख लो आप। जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। हम आपको अपने कैम्प्स दिखा, कैंप लगे हुए हैं, कुछ ऊपर रखे हुए हैं कि कैंप है। फिर इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर ये सामान रखा हुआ है सारा। एक ये कैंप है पूरा, और ये छोटू सा कैंप टू पीपल्स। थोड़ा सा फिर टाइम देना, ऊपर भले चला पका हुआ लगेगा लेकिन फिर भी पका हुआ। दे आर प्लेइंग क्रिकेट एंड डन विद द फूड, डन विद द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या, वो तो लंच ही हो गया, बहुत हैवी था यार। बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल ही भागा जा रहा बन गया बॉल लेने के लिए। वो आया देखो उन बॉल फेंकी बैट्समैन ने। मैं थक गया भैया, इतनी ज़्यादा फील्डिंग हुई, बॉल बार बार नीचे जा रही थी रिवर की साइड में, और वहाँ पत्थर। मैं तो बॉल ला के थक गया। अब मैं उधर फील्डिंग नहीं करूँगा, अब मैं बॉलिंग करूँगा या तो कीपरिंग करूँगा, मैं फील्डिंग नहीं करूँगा। थक गया, बॉल लेने उन्होंने ऑफ मारी। ये बॉल प्रभा कर दी, वो थे वो जिन्होंने बहुत भगाया मुझे। बैट्समैन अगेन तैयार, बॉलर भी तैयार, बॉल में बॉल करी। मैं कहा आगे बढ़ के खेला लेकिन शरीर से उसको लगा, LBW की कोई अपील नहीं की गई। अगली बॉल बैट्समैन ने छोड़ दिया, वाइड थी उसका, बिल्कुल दबा के खेल रहे हैं। वन टी आउट का मौका ही नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार टीम बड़ी हताशा में है फील्डरों में, और बॉल हो गए, फुल टॉस मिस कर गए, अपना लेग स्टंप जज नहीं कर पाए बॉल बैट्समैन, और उस प्रकार वो बोल्ड करार दिए गए। ये आए हैं देखिए इनके हाथ में कैसे लग गया है, सारा खुजली हो गई है इनके, कीड़ा काटने से छाले से पड़ रहे हैं, दाफड़ बढ़ गए हैं इनको, ये पेड़ की पत्ती छू, पेड़ पत्ती छूने से ये हालत है। तो जब भी आप इस तरह कैंप में आए तो ध्यान रखें जंगली पेड़ पौधों से दूर रहें। अपने
ट्राई बॉल डाली उन्होंने, ट्राई बॉल में उधर पीठ के बाहर। अब हमने डिसाइड किया है कि इस पेड़ से दूर, इस गाड़ी से दूर अगर डायरेक्ट गई बॉल तो बंदा आउट है। विकेट से थक गए, अब हमने शुरू किया 10 मिनट आराम करने के बाद चेस, जो विपिन भैया और प्रभाकर भी खेल रहे हैं, और हम खेलने लूडो। ये लूडो चार एक आखिरी वाली भी बढ़ा दीजिए। वो ब्लू वाली गोटी खुल रही है, बंद हो जा रही है, खुल रही है, लो वो भी अंदर चली गई, चार अंदर। सबकी गोटी किसी की लाल हो रही है, किसी कुछ भी ऑलरेडी जीत चुके हैं। और यहाँ देखो गोटियाँ, मेरी भी रेड पर, ये येलो भी अंदर है और ये ब्लू वाली भी अंदर है। उनको 3 चाहिए, इनको भी 3 चाहिए और मेरे को 6-3 चाहिए। देखते कौन जीतता है। विनय भी पहली बार ऑलरेडी जीत चुके हैं 4, अब मेरे को 5 चाहिए। दोनों एक एक चाहिए। सचिन भैया और थर्ड अभिजीत, और वो चेस वालों ने आगे बाजी कर कहते हैं चेस में वो जीते। अभी निकलते हैं नहाने के लिए, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया, धूप चली गई है, तो नहाने का प्रोग्राम वहाँ जाकर डिसाइड करते हैं। ज़्यादा ठंड नहीं लगी तो नहा लेंगे, और वैसे अगर ज़्यादा लगी तो फिर मग्गा लेके आए, मग्गे से सर के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, मतलब नॉर्मली बॉडी फ्रेश हो जाएगी, थोड़ा ठंडक सा हो जाएगा शरीर में, बस इससे ज़्यादा और कुछ डिसाइड नहीं किया। तो वही देख रहे हो, बाल्टी लेके जा रहे हैं भैया प्रभाकर भैया, बाल्टी लेके निकले हुए हैं कि बहाव बहुत तेज है, बाल्टी में पानी भरेंगे, साइड में बैठ के नहाएंगे, डोंट टेक रिस्क। सो डन यार, नहा लिए और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, बट नहा लिए एकदम से फ्रेशनेस ही आ गई शरीर में, और बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। देखो भैया भी नहा लिए और बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कपड़े चेंज, सब कुछ चेंज, और चलते हैं अब कैंप की तरफ। बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा पानी का फुल व्यू देखना आपको, दिस इज द व्यू। बहुत तेज की आंधी उधर देखो सामने, और चलने लगी हवा बहुत तेज, वहाँ देखो ऊपर बहुत तेज आंधी। अभी हमें टेंट बैंड की आग वाग बुझा दी, जिससे इसकी जो लपटे हैं वो इसके ऊपर ना जाए और टेंट चल जाएगा। अब टेंट बैंड में जाके बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं टेंट उड़ जाएगा, और हवा तेज चल लगी बहुत। ओए होए, वहाँ हो रहा लैंडस्लाइड, ये देखो अभी पेड़ गिरा बहुत ऊपर से, वो देखो अभी नीचे तक आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, वो देखो नहीं, वहाँ रुक गया, वहाँ रुक गया, वहाँ पर जगह है ना, वहाँ रुक गया। तो ये भैया बोल रहे हैं कि जो हम यूज़ करते हैं वही वाले यूज़ कर लो, पानी पीने का ही है, हम पीते हैं बस बस, बहुत है। नहीं नहीं इधर ही जाना है, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर बस। कुछ नहीं, कैंपिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ उधर ही, उधर ही, हाँ 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 वही वही वही। हाँ ये देख रहे हो नीचे, वो देखो भयंकर कितना खूबसूरत है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तो इसको लेके बैठना पड़ेगा हाथ में, साइड में पकड़ना पड़ेगा, हो गया। बड़े ही मशक्के के बाद पानी मिल चुका है, धीरे धीरे चलते हैं। Day 2 इन आर कैंपिंग ट्रिप, और मैं आपको लोकेशन बता दूँ तो लोकेशन है मोरी, मोरी से 1 किलोमीटर आगे कैंपिंग कर रहे हैं हम। ये लोकेशन हमें बहुत मुश्किल से मिली है ढूंढने के, यहाँ हमारा कोई लोकल नहीं है, किसी को हम जानते नहीं हैं। लोकेशन बहुत प्यारी है, वीडियोज़ वगैरह में बहुत जगह ढूंढा तब जाके लोकेशन मिली है। यहाँ के लोग इंटरप्ट वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले भी कह रहे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2-3 बार कल जिप्सी गई थी बट उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट देखते हैं जैसा भी है, जो भी ब्लॉग में आगे दिखाता हूँ।
अब खाना वाना बनाना है, 6 बंदों को पानी भी पीना है, तो पानी बहुत कम था और कम से कम 4-5 लीटर पानी था बस। तो 4-5 लीटर पानी में तो 5 लोग पी भी नहीं सकते और खा भी नहीं सकते। और कल हमें सुबह 1 या 2 बजे करीब निकलेंगे दोपहर में, क्योंकि खा पी के आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह करके 5-6 घंटे में पहाड़ क्रॉस करेंगे। बाकी तो जो रास्ता है वो रात में भी कवर हो सकता है, कोई इशू नहीं है। वाह 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 वाह। लेके आते ओए होए बताओ यार, इतनी मेहनत, देखो कैंपिंग के लिए ये सब करना पड़ता है। बॉनफायर की तैयारी। रात हो चुकी है, अब वी आर स्टार्टिंग टू मेक अ फूड। और आज डिसाइड किया हमने बिरयानी या फिर चिकन बनाने का। क्या क्या डिसाइड किया था? बिरयानी चिकन टिक्का, या फिर जो चिकन टिक्का है उसको हम प्रॉपर चिकन ग्रेवी वाला बना देंगे और उसके साथ राइस जो बनता है। और ये जुगाड़ देख रहे हो, ओए होए, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। इतनी नॉलेज होनी चाहिए जब आप कैंपिंग करो। हाँ, कोई फिटिंग नहीं है, मतलब कोई ऐसा लकड़ी वकड़ी जमीन में ही ठोक रखी, ये सब एक दूसरे पर टिके हुए हैं। और यहाँ एक बहुत खतरनाक सी आग चल रही है। विन्नी भी हमारे क्या कर रहे हैं इस जहम, हाँ बर्तन कढ़ाई साफ कर रहे हैं। और ना आसान लगता है ना कैंपिंग, उतना टफ होता है यहाँ पर निभाना। मैं बताऊँ क्या क्या चीज़ें मुश्किल होती हैं। पहली बात लकड़ियाँ ढूंढना जंगल में जाकर, कोई अननोन बंदा हमें आगे परेशान ना करे। अगर हम ज़्यादा लोग हैं तो सेफ है, कम है तो एक बार को रिस्क हो सकता है। सेकेंड थिंग खाना बनाना, कुकिंग की तैयारी, पूरा खाना हमारे पास, सारे यूटेंसिल्स होते हैं। हाँ, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, कढ़ाई और पैन, नॉनस्टिक पैन, गैस सिलेंडर, चूल्हा, टेबल, पानी की 20-20 लीटर की बोतलें, प्लेट्स, फॉग, बाल्टियाँ, 2-2 बाल्टियाँ हैं बर्तन धोने के लिए, बड़े बड़े भगोने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सामान, देखो गाड़ी में कैसे भरा हुआ है। ये देखो, इसके अंदर सारे चिकन और वगैरह सब रखा हुआ, ठंडा होने के, मतलब ख़राब ना हो वो। यहाँ देखो सामान, ओए होए, देख रहे हो, घी के डब्बे, नमक, मैगी, ब्रेड, और सामान तो मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं सच बताऊँ, ड्रिंक कम से कम 15 दिन तक हम आराम से कैंपिंग कर सकते हैं। फ्रूट्स हैं, खीरे हैं, सलाद के लिए केले हैं, बताओ ये गार्बेज बैग है, कोई गंदगी नहीं करी हमने ज़रा भी। और यहाँ पर वेदर के लिए देख रहे हो किस चीज की कमी है, बैट है, बॉल है, खेलने के लिए सब कुछ है, लूडो है, चेस है, क्रिकेट है, एक्ट्रे जो है वो सीट के नीचे रखी हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इतना कुछ खा रहे हैं तो ये भी जरूरी है। सोडा लेके आए, देखो सोडा, कैच जीरा, डाइजेस्टिव, तो सब कुछ अवेलेबल है। तो कैंपिंग हवा में नहीं होती, तैयारी करनी पड़ती है। अभी का सीन कुछ ऐसा है, मेरे को काम दिया था सैलेड काटने का आपको, ये मैंने देखो एकदम बराबर सैलेड काटा हुआ। तो ये देख रहे हो, ये बन रही है रुमाली रोटी, ये रुमाली रोटी गर्म हो रही है। और खाने में क्या क्या चीज़ है वो मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। चिकन टिक्का ग्रेवी, राइस, कबाब, सीख कबाब, रुमाली रोटी और ये खूबसूरत से सलाद। रुमाली रोटी पकती हुई, गर्म होती हुई, और ये देखो लेट उठा अपने ऊपर देख रहे हो। प्लेट तो सारी यूज हो रही है ना अभी। आशीष कैसा आया कैंपिंग, मजा? बहुत मजा आया मेरे को, और मैंने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं, मेरे को तो लगा मैगी ऑमलेट, भैया ने बस थोड़ा नॉनवेज बोला था, मेरे को लगा हाँ शायद ऐसा कुछ होगा। प्लेट सारी यूज हो रही है ना अभी, उठा लो, रोटी रखो और कबाब दे रहे हैं अभी स्टार्टअप।
इसमें डाल दिया, साफ हो गई। गरम है सर, कबाब देंगे, चटनी है, चटनी निकाल लो अपने उसमें। ओएमजी, ओएमजी क्या नहीं है यार। दो दे दीजिए सर। हाँ कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। कितनी और रखी है भाई, प्लेट लो भाई, गरम हो गए ये। ये देखो अंकल, प्लेट लाओ। हाँ सर दे रहे हैं। ये देखो, अरे ये देखो, ये देखो, ये हो रही है। आइए सर, रुमाली रोटी गरम। सर एक और ले जाओ सर। अरे सर लोना, अरे खाओ सर, खाने के लिए। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ आपसे। आई एम इन कैंप राइट नाउ, सो ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को कर देंगे एंड। This is day 2, signing off Ashish Yadav as a roaming beast. And yeah, this is our day 2 in camping trip. बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ किया मैंने, बहुत कुछ सीखने को भी मिला मेरे को। और अब प्लान करते हैं सोने होने का। पावर बैंक मेरा एक रिचार्ज हो चुका है, दूसरा वाला जो चल रहा है उसको अब मैं फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेता हूँ, GoPro वगैरह चार्ज कर लेता हूँ। फिर सुबह शायद 1 या 2 बजे निकलने का प्लान है। सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छे से खा पी के फ्रेश वगैरह होकर अच्छे से निकलेंगे, कोई इशू नहीं है। लेट पहुँचे कोई दिक्कत की बात नहीं। सो ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।